everyone, I'm Bhavna Sahani back with a new video for class 10th SST and in this video we are doing political science power sharing part 3. Part 1 and part 2 humne already kar liya and if you haven't seen the video yet, so I have attached the link of part 1 and part 2 in the description box. So if you have any doubt, you can contact me through the comment box. So let's get started to this one. Today's video, we are starting with these three topics which are very important for this chapter in which we will be studying about accommodation in Belgium. So, accommodation in Belgium, mein we will be studying ki Belgium mein power sharing kaise hui. We have already studied about Sri Lanka. Ab hum Belgium ki baat kare, Belgium mein power sharing thi ya nahi thi, wo hum isme padhne wale hai. Apart from that, we will be seeing ki power sharing desirable kyun hai. What is the benefit of power sharing? And then we will be seeing a case study. आपके बुक में एक केस स्टडी दी हुई है विच इज रिलेटेड टू अ बॉय जिसका नाम है खलीफा. वो जो खलीफा है वो लेबनन में रहता है. सो वी विल बी स्टडिंग द केस स्टडी ऑफ लेबनन. ऑल राइट, सो द अबाउट खलीफा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट यस व्हाट्स हैपनिंग इन लेबनन इज इम्पॉर्टेंट. सो वी विल बी स्टडिंग हाउ पावर इज शेयर्ड इन लेबनन. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड. इन द फर्स्ट स्लाइड वी आर स्टडिंग अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम. सो इन अकोमोडेशन इन बेल्जियम वी विल बी स्टडिंग कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयर करी गई थी. अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो जितने भी बेल्जियन लीडर्स थे दे रिकोगनाइज द importance of the diverse community. They recognize the importance of the diverse kind of people living in our country. All right, so उन डाइवर्स लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए सो बिटवीन 1970 से 73 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 times अमेंड हुआ था. एंड उसमें 4 times अमेंड इसलिए किया था ताकि जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उन सबको इक्वल पावर दे सके. ठीक है, और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए थे तो ये रूल्स बन के आए थे. और रूल्स क्या थे कि अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो अगर बेल्जियम की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट है कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए थे जिसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की परमिशन या कंसेंट चाहिए होता था फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दैट मीन्स ईच लैंग्वेज ग्रुप, दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन. एंड दस नो कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डच, फ्रेंच और जर्मन यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लेंगी. बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी. एंड बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही आ गया, इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो लेट्स रीड दीज पॉइंट्स. इन बेल्जियम ऑल द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज बिटवीन 1970 to 73. दिस इज 73 not 93. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times सो दैट वुड एनेबल एवरी वन to live together within the same country. The elements of the Belgian model are: a constitution prescribes that the Dutch speaking and a French speaking, this is and a French speaking shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of the members of each linguistic group and thus no community can make decision unilaterally. Many powers of the central government have been given to the state government out of the 2 regions of the country. Agar baat kare बेल्जियम में 2 रीजन थे और एक था विलोनिया रीजन, एक है फ्लेमिश रीजन. तो दोनों रीजन की स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे दी गई थी एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वली आती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट दी अगेन अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम को कंटिन्यू किया है. सो इससे पिछले वाली स्लाइड थी उसमें हमने बेल्जियम मॉडल पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉडल है, जो पावर्स बनाई गई थी वो पढ़ी थी. अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट, बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, तो हम ब्रुसेल्स का मॉडल पढ़ेंगे. तो ब्रुसेल की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी अपार्ट फ्रॉम बेल्जियम गवर्नमेंट. ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच दोनों कम्युनिटी को, दैट इज डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया कि भाई ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और डच पावर स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑल राइट, सो कंट्री में डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली थी क्योंकि डच माइनॉरिटी में थी कंट्री में और ब्रुसेल्स में फ्रेंच माइनॉरिटी में थी.
तो यहाँ पे फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. देन एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसको कहा गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट. इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी जिसको अपनी ही लैंग्वेज के लोग सिलेक्ट कर सकते थे, जिनके लीडर्स को, एंड ये जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर्स थी टू डू टू सॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू द एजुकेशन, कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. एंड बहुत सारी कंट्रीज थी, दे टुगेदर फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन. बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया और उस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स बनाए गए ब्रुसेल्स में. ओके, वी कॉल इट ब्रसेल्स एक्चुअली. सो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल रिप्रेजेंट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर where they live. So this government has the power regarding cultural, education and language related issues, and many countries came together to form a European Union. Brussels has been chosen as its headquarter. So European Union ka jo headquarter tha usko Brussels ko choose kiya gaya tha as its headquarter. So moving towards the next slide, so here we are studying about the case study of Lebanon. I have already told you that in a book you have a case study which is related to the Khalifa. सो खलीफा वॉज अ चाइल्ड एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो अलग अलग सेक्ट थे, एक मुस्लिम में थे, एक क्रिश्चियन थी. ठीक है, तो बेसिकली वो बेरियट में रहते थे, लेबनान में लोग रहते थे, दे वर लिविंग इंटरमिंगल्ड, मिलजुल के रहते थे, बट स्टिल दे हैड अ सिविल वॉर. द रीजन इज नॉट मेंशन इन द बुक दैट व्हाई दे हैड अ सिविल वॉर, बट आफ्टर सिविल वॉर व्हाट मॉडल दे एक्सेप्टेड वी हैव टू स्टडी दैट. तो लेबनान में क्या रूल्स एक्सेप्ट करे गए थे वो पढ़ना है हमें. तो लेबनान इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेरियट. ऑलराइट, लेबनान सिटी बेरियट है, कैपिटल है लेबनान. वहां पे रहता था खलील. खलील के जो पेरेंट्स थे दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज से थे. राइट, मदर वॉज सुन्नी मुस्लिम, फादर वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. ऑल राइट, पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी जो लेबनान में लोग रहते थे अलग अलग कम्युनिटी के, दे केम टू लिव इन कैपिटल बेरियट. वो लेबनान से कहां चले गए, बेरियट चले गए. दे लिव टूगेदर, इंटरमिंगल्ड, येट दे फॉट अ सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ. एंड एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान के लीडर्स ने डिसाइड किया दैट दे केम टूगेदर और उन्होंने एक मॉडल को एक्सेप्ट किया कि हम पावर शेयरिंग कैसे करेंगे, हम डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर को कैसे शेयर करेंगे. सो वी हैव टू रीड दैट कि इन लोगों ने पावर शेयर कैसे की. तो बेसिकली इस टॉपिक में ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेबनान की बात करें तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं. रूल्स क्या आते हैं कि जो कंट्री का प्रेसिडेंट है दे मस्ट बिलोंग टू मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन. जो पीएम है वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए. जो डेप्यूटी पीएम है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होना चाहिए. जो स्पीकर है वो शिया मुस्लिम होना चाहिए. जो क्रिश्चियन है दे अग्रीड कि हम फ्रेंच की हेल्प नहीं लेंगे. मुस्लिम ने अग्री किया कि हम सायरा की हेल्प नहीं लेंगे, विच वॉज द नेबरिंग स्टेट ऑफ लेबनान. ठीक है, और जब क्रिश्चियन और मुस्लिम दे केम टू दिस एग्रीमेंट, दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन. जब ये सारे रूल्स बने तो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों इक्वल पॉपुलेशन में थे. एंड दो नाउ मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी, मुस्लिम अब क्लियर मेजोरिटी में, तो जो दोनों साइड्स हैं, ठीक है, दे आर स्टिल रिस्पेक्टिंग दीज rules. Now Muslim is in clear majority in the present time, but still they are accepting this rule. So that is it for today, guys. If you have any doubt, you can comment in the comment box, and I hope this video is clear to you, and I'm still there to clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe our channel, and do not forget to ring the bell icon for upcoming videos notification. Yes, you can contact us on the number given below in the video for online and offline classes, and yes, you can reach out to us on Instagram, Facebook and Telegram for notes. The link is given below in the description box. So I will be meeting you super soon in my next video. So bye bye everyone.